एवरीवन, क्या आपको पता है अगर किसी भी पर्सन का सिविल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट वायलेट हो रहा है तो उसे रेमेडी कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है? तो वो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये तो आपको पता चल गया, अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इस एक्ट को पढ़ने के लिए बुक्स कौन कौन सी अच्छी हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। आज मैं फिर से आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ और जो सब्जेक्ट मैं टेकअप करने जा रही हूँ वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपनी फर्स्ट और बेसिक बुक से, जो कि डॉक्टर आर के भांगिया जी की बुक है। ये बुक मस्ट गो ऑप्शन है अगर आप बिगनर और फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हो। ये बुक काफी लेमैन है, ल्यूसिड है, सिंपल है। इसमें केस लॉज मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बुक आपको काफी हेल्प करेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है डॉक्टर अवतार सिंह जी की बुक। ये बुक थोड़ी सी लेवल्ड अप है। अगर आपको ग्रे एरियाज है और आपको किसी और बुक से पढ़ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाई, इन दैट केस आप इस बुक को रिफर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस बुक। अब चलते हैं आगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है मुल्ला और पोलक जी की बुक। ये बुक काफी एडवांस्ड और हाई लेवल की है। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे कि अकेडमिशियंस हो गए, लिटिगेटिंग लॉयर्स हो गए, या फिर अगर कोई फर्म है जो कि इस फील्ड में काम कर रही है, वहां पे काम करने वाले लोग हो गए, तो इनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये कमेंट्री फॉर्म में है और इसकी स्पेशल क्वालिटीज ये है कि एडवांस स्टडी को डील करती है, सारे लेटेस्ट केस लॉस कवर किए हुए हैं, सारे लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ले डाउन किए हैं कॉमर्शियल मैटर्स से रिलेटेड, वो सब भी इस बुक में कवर किया हुआ है। तो अगर आपके रिक्वायरमेंट इनमें से कोई भी है जो कि इस बुक में फुलफिल हो रही है, तो आप इस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है बीएम गांधी जी की बुक। ये बुक इक्विटी और ट्रस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में आती है और इसके स्पेशल फीचर्स ये हैं कि इसने मीनिंगफुल एनालिसिस किया हुआ है कॉन्सेप्ट्स का, चैप्टर्स का अरेंजमेंट बहुत प्रॉपरली है, साथ ही साथ सिनॉप्सिस ऑफ चैप्टर भी दिया है जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है रीडर्स पे, और इन्होंने बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड वे ऑफ नरेशन फॉलो किया है जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने में हेल्प मिलती है। ये भी एक रेफरल बुक है, आप इसे ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे बुक की तरफ, जो कि है सरकार जी की बुक। ये भी मार्केट में एक बुक है जो कि थोड़ी सी हाई लेवल है और इसकी क्वालिटीज क्या क्या है, ये रिवाइज और अपडेटेड है। इन्होंने इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे अमेंडमेंट्स, इंग्लिश लॉ को भी रेफर किया है, साथ ही साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किए हैं जहां पर भी रिक्वायर्ड था और रेलिवेंट था। कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की बुक है, डिटेल एनालिसिस की है कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि रेक्टिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया और इंजंक्शन हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा है और रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल करता है, तो आप इस बुक को रिफर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं दूसरी बुक्स की तरफ, जो कि है अदर बुक्स। ये बेसिकली गाइड्स है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इन बुक्स को ऑप्ट कर सकते हो। ये दो अच्छे ऑप्शन है सिंगल्स का और ए के जैन का, काफी अच्छी बुक्स हैं ये, काफी अच्छी गाइड्स हैं। इन्होंने जो बेस बुक्स हैं उनसे ही कंटेंट निकाल के शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप वहाँ का स्टडी मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये स्टडी मॉड्यूल देते हैं जो कि पिक्चर में भी प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। इसको पढ़ने के फायदे क्या है, आपको कंसाइज कंटेंट मिलता है एक जगह पे और आपको आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। तो ये था मेरा वीडियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।